तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप मतलब कि लुकअप फॉर्मूले, किसी भी डेटा में से किसी पर्टिकुलर यूनिक आईडी के बिहाफ पे रिजल्ट रिजल्ट को निकालना, उसके डिटेल्स को निकालना, वो लुकअप कैटेगरी में आता है। जैसे कि आप बैंक जाते हैं तो बैंकर क्या करता है, आपका अकाउंट नंबर अपने सिस्टम में फीड करता है और फीड करते ही वो आपकी पूरी डिटेल ले लेता है। ठीक है, उसी तरीके से यहां भी कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ एक डेटा दिख रहा है, मुझे इस डेटा में से इस रोल नंबर आईडी नंबर का डिटेल चाहिए। अगर आप वी लुकअप का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। Ctrl F 104 में लिखा, एंटर प्रेस किया, फॉर्मूला है करता हूँ, और फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे वी लुकअप में पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब या फिर मैं वी लुकअप लगाऊ, वी लुकअप देखिए कैसे करता है। वी लुकअप लगाया, आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले लुकअप वैल्यू, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया। उसके बाद आता है टेबल एरे, फिर डेटा में गए और टेबल्स को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कॉमा, यहाँ आता है कि आप, क्योंकि इसने 104 को या 105 को ढूंढा तो इतने सारे कॉलम्स है, स्पेशल रूल कहता है कि एक कॉलम पे किसी एक ही कॉलम का रेफरेंस होगा, तो यहाँ बताना होगा किस कॉलम का रेफरेंस है। तो मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे दूसरा नंबर चाहिए, कॉमा 04 एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे हम फॉल्स भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि एक्सेल में जीरो और फॉल्स जो होता है, जीरो जो होता है जीरो फॉल्स होता है और वन ट्रू होता है। इसलिए यहाँ पे ट्रू दे दीजिए, एक फॉल्स दे दीजिए या वन जीरो दे दीजिए। आ गया, तो आपको हर फील्ड के लिए ऐसे वन बाय वन वी लुकअप लगाना होगा, वी लुकअप लुकअप वैल्यू। लेकिन ध्यान रखिएगा, वी लुकअप लेफ्ट मोस्ट चलता है, मतलब कि आपको स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, एंड में नहीं होना चाहिए, स्टार्ट में। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा टू कॉमा जीरो, टू नहीं थ्री, इस पर थ्री होगा ना, थ्री कॉमा जीरो, और यहाँ पे एंड पे प्रेस कर दिया। देन अगेन मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सेलेक्ट किया, और इस बार मैं थ्री के जगह पे फोर लूंगा, फोर कॉमा जीरो आया। अब तो प्रॉब्लम हो गई, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे और इसको भी फ्रीज करेंगे और इसको ड्रैग कर। ठीक है, अब मुझे जस्ट कॉलम नंबर चेंज करना है कि यहाँ पे फोर के जगह फाइव, यहाँ पे फाइव के जगह सिक्स, यहाँ पे सिक्स के जगह पे सेवन, यहाँ पे एट, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे टेन, यहाँ पे इलेवन, यहाँ पे ट्वेल्व, यहाँ पे थर्टीन। लेकिन तो काफी प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने क्या किया कि मैंने डेटा को देखा, देखने के हिसाब से हम देखे, ऊपर जो दिख रहा है सारे रो नंबर को मैंने ऊपर दे दिया। फिर मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा करके यहाँ पे वी लुकअप यहाँ पे ऊपर इसको सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा जीरो। ठीक है, अब ड्रैग करने से पहले फ्रीज करना पड़ेगा, इसको फ्रीज किए, इसको फ्रीज किए और इसका वन फ्रीज कर, अब ड्रैग कर सकते हैं। मैं एक बार बताता हूं मैंने क्या किया, वी लुकअप लगाया और जो हम मैनुअली नंबर देते हैं उस नंबर को मैंने यहां पे लिख दिया, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किए, कॉमा वन टू थ्री, इस तरह से ना मैनुअल ना देके हमने इस रेफरेंस को ले लिया एंड कॉमा जीरो पे।
ड्रैग करने से पहले क्या करें हमने, टू ने यहाँ पे एक मिनट, टू ने थ्री सिलेक्ट करना ना, वो थ्री। और ड्रैग करने से पहले मैंने क्या किया, फ्रीज किया। हम यहाँ पे ए को फ्रीज कर देते हैं, ए एम को फ्रीज कर देते हैं, और बी सी डी ये बढ़ना है लेकिन वन फिक्स रहना चाहिए, तो वन को फ्रीज कर दिया हम और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है कॉलन। कॉलम फॉर्मूला में किसी कॉलम का रेफरेंस दोगे तो आपको उसका कॉलम नंबर दिखेगा कुछ इस तरह से। हम वी लुकअप में यही देते हैं, तो क्यों ना वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते समय हमने इसको लगाया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कॉलम में इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉमा जीरो कर दिया। एक बार और लगा के दिखाता हूं, मैंने वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉलन का फॉर्मूला लगाया और कॉलन में डेटा को सिलेक्ट करके कॉमा जीरो कर। अब यहाँ पे हम ए को फ्रीज कर दिए, ए से एम को फ्रीज कर दिए और सी को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है और सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया। ठीक है, क्लियर है सर? अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि वी लुकअप, इसको हमने सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम एक एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे एरे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अने कॉमा करके कॉमा जीरो कर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एंटर नहीं, कंट्रोल यहाँ पे नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन लेटेस्ट एक्सेल पुराना एक्सेल है तो आपको यहाँ पे एफ टू प्रेस करके कंट्रोल सेव्ड एंटर प्रेस करना होगा। क्या करना होगा, कंट्रोल सेव्ड एंटर, राइट। इससे क्या हुआ, एक ही हो जाए। या फिर आप यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है एक्स लुकअप, वो लगा सकते हैं। ठीक है, एक्स लुकअप कैसे, ये देखिए यहाँ पे इक्वल एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट किया और डेटा को हम लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे लुकअप एरे सिलेक्ट कर लिए और इसका ए फ्रीज कर दीजिए और ए बाई ए फिक्स है, इसको फ्रीज कर दीजिए, बी बाई बी फ्रीज नहीं, फिक्स नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको सिलेक्ट करके आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, ए नंबर फॉर्मेट कर दीजिए, आ गया, समझे। एक चीज और भी है, जैसे यहां पे अगर कोई एरर आता है इस तरह से एन एन ए दिखेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इफ एरर वी लुकअप अगर ब्लैंक है तो यहां पे हमने कर दिया यहां इस तरह से, कंट्रोल सी को भी चेंज करेंगे तो कंट्रोल सी एंटर मारना पड़ेगा, तो अगर रिजल्ट आया तो रिजल्ट आएगा तो भाई एरर आएगा, लेकिन एक्स लुकअप के अंदर में इसी के अंदर ऑप्शन है, लेकिन एक्स लुकअप लेटेस्ट एक्सेल का फॉर्मूला है, समझे। यहाँ पे हम कुछ नंबर डालते हैं, जो नहीं होगा तो अन्य आ जाएगा, लेकिन होता है क्या है, नहीं अलग है, दोनों का काम एक है लेकिन चीज अलग है। वी लुकअप में पहली प्रॉब्लम क्या है कि आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना होता है और जो आईडी है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है, एरर अगर वैल्यू फाइंड नहीं किया तो एरर आएगा। एक्स लुकअप में क्या है कि आपको अलग अलग देना है कि आप जो है अपना
लुकअप अलग दीजिए, मतलब कि जिसमें आईडी मैच करना है वो अलग दीजिए, रिजल्ट लाना अलग दीजिए। अब दोनों अलग लोकेशन में आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, तो उल्टा भी लुकअप जो होता है ना, ये एक्स लुकअप से भी हो जाता है। क्या बोले? हाँ, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरा हेडिंग जो है बार बार चेंज होते रहता है, तो मैं चाहता हूं वी लुकअप लगाना हेडिंग के अकॉर्डिंग, कि मेरा हेडिंग अगर चेंज हो तो मेरा रिजल्ट चेंज होगा। तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला जो कि किसी भी सेल वैल्यू को यहाँ पे रो में ढूंढता है और ढूंढ के देता है कि कितना कितना मैच कर। इसके अंदर कितना ए है, इसका रो, इसका कॉलम नंबर डेटा में कितना, कहाँ 11 हो गया। अब वी लुकअप लगाते समय इसी 11 को यूज कर लीजिए। यहाँ पड़ा हुआ मैच करें तो मैच फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चलता है और सेल वैल्यू को ढूंढकर उसका रो या कॉलम नंबर देता है। तो यहाँ पे क्या किया, एक बार और मैच बताता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने इक्वल लगाया मैच का फॉर्मूला, और मैच फॉर्मूले में मैंने रीजन को सिलेक्ट किया और डेटा में जाके हमने सिलेक्ट कर ली अपनी हेडिंग वाली रो और यहां पे कॉमा 0 कर दिया। आ गया सर। अब इस मैच फॉर्मूले को वी लुकअप में इस्तेमाल कर लीजिए, राइट? आ गया। बोलिए, बता रहा हूँ, वो बताऊंगा, वो भी आ गया है, वो भी आ गया है, वन बाय वन चलेगा। तो इसको ड्रैग, राइट? तो ये वी लुकअप पे आप अच्छे से, वी लुकअप के अंदर जो मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगा के ड्रैग किया या ऊपर दिया, या जो मैंने एरे का इस्तेमाल किया या एक्स लुकअप इस्तेमाल किया है, मैच इंडेक्स इस्तेमाल किया, इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम वी लुकअप के आगे की चीजों के बारे में अगली क्लास में जाने सही रहेगा, क्योंकि वी लुकअप को थोड़ा सा स्लोली पढ़िए सर।